लोग का क्वेश्चन था कि हम लोग पॉलिटेक्निकल दुर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं और हम लोग कैंपस नहीं आते, कैंपस भी आते तो एक दो लोग को बस सिलेक्शन होता है सीएस ब्रांच से। और सीएस के छत्तीसगढ़ में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है तो हम लोग क्या बाहर जाना पड़ता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स आ गए, तो आप अपने तरफ से क्या टिप देना चाहोगे? जैसे कि आप काफी ग्रोन हो, डीफॉर दुर्ग काफी अपना अच्छा चल रहा है अपने पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो आप क्या टिप्स दोगे अगर एक क्रिएटर आपको देखे तो? मेरा टिप बेसिकली ये है कि और अच्छा जितना भी हम लोग मतलब की सैलरी देते हैं 6 से 7 लाख हो जाता है भैया, वही पे अपन ना जाके क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं, 8,000 है, 7,000 है ना, वही है भैया। मतलब कि हम लोग को समानता का अधिकार देना चाहिए, 80-20 को मतलब कि हटाना चाहिए भैया, लड़के को और लड़की को समानता का अधिकार देना चाहिए। जो पोस्ट निकलता है तो ओबीसी के लिए बहुत कम पोस्ट निकलता है, उसमें जो पोस्ट का जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। हम लोग युवाओं के साथ आ चुके हैं दुर्ग सेक्टर 1 के लोगों से बात करते हैं, तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम नितेश कुमार साहू है भैया, और मैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद कॉलेज जुनवानी से हूँ भैया। और अगर जैसे आपको मौका मिलता पूछने का तो आप क्या पूछते हैं? मैं वही बोलता भैया कि हम लोग जो नर्सिंग का छात्र है तो हम लोग का मतलब हर जो कॉलेज और जो स्कूल वगैरह है वहाँ क्या बोलते हैं लड़कों का भी सीट देना चाहिए भैया, तो टीचर वगैरह भी मतलब प्रोवाइड करना चाहिए हम लोग का टीचिंग मतलब हर चीज़ के लिए। और भैया जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी लड़कों का सीट भी देना चाहिए भैया। जी भैया 50-50% क्या बोलते हैं लड़की और लड़कियों का देना चाहिए भैया, यही मेरा कहना है भैया। मुख्यमंत्री जी से मेरा यही एक अनुरोध है भैया कि सभी चीज़ में क्या बोलते हैं नर्सिंग जो विद्यार्थियों का भैया हर चीज़ देना चाहिए भैया। हाँ ठीक है, धन्यवाद भैया। ये था भाई का क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो भैया आपको भी कुछ ऐसा डाउट पूछना भाई? भैया समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है नर्सिंग में, और अच्छा जितना भी हम लोग मतलब की सैलरी देते हैं 6 से 7 लाख हो जाता है भैया, वही पे अपन ना जाके क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं, 8,000 है, 7,000 है ना, वही है भैया। मतलब की हम लोग को समानता का अधिकार देना चाहिए, 80-20 को मतलब की हटाना चाहिए भैया, लड़के को और लड़की को समानता का अधिकार देना चाहिए। 80-20 क्या रूल है बता दीजिए तो एक बार। अपन लड़की लोग का अपन हो गया 80 है ना, और अपन लड़के लोग का नर्सिंग में एक मतलब कि 5 या 6 लोग हैं भैया हम लोग शंकराचार्य मतलब कि स्वरूपानंद से हर कॉलेज से सीट भी कम देते हैं भैया, गवर्नमेंट कॉलेज में भी कम देते हैं लड़कों के लिए। तो भैया मेरा वही कहना है कि लड़की और लड़कियों दोनों का भैया समानता से देना चाहिए, मतलब 50-50 भी कर दे तो वो रहे। बेसिक सैलरी होना चाहिए भैया। सैलरी का भी दिक्कत है? सैलरी का भी दिक्कत है, 8,000 हम लोग का 8,000 ले देके, और लड़कियों का भैया 20 से 30,000 है भैया, तो हम लोग का भी वही होना चाहिए भैया 20 से 30,000 भैया गवर्नमेंट में भी। और क्या भैया वैकेंसी वगैरह भी नहीं खुलता भैया लड़कों के लिए, बहुत कम सीट के लिए वैकेंसी खुलता है भैया। तो भैया मुख्यमंत्री जी से वही हम लोग का की अनुरोध है कि दोनों का मतलब समानता से अधिकार दे भैया। तो भाई ये था अपना वो कि भाई लड़कों को कम अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है, लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है। तो आगे अब लड़कों से तो पूछ के अब लड़कियों से पूछते हैं, जैसे लड़कों के साइड का ये दुख है तो लड़कियों के साइड से पूछते हैं, क्या आपको कुछ बोलना है मुख्यमंत्री जी? अगर आपसे पूछते हैं तो कुछ आपके मन में क्वेश्चन था? नहीं कुछ नहीं क्वेश्चन है हम लोग के मन में। आप लोग घूमने आए हो? नहीं हम लोग अपना जो क्वेश्चन था वो लोग हम लोग पूछ लिए। क्या चीज का क्वेश्चन? हम लोग का क्वेश्चन था कि हम लोग पॉलिटेक्निकल दुर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं और हम लोग कैंपस नहीं आते, कैंपस भी आते तो एक दो लोग को बस सिलेक्शन होता है सीएस ब्रांच से। अच्छा। और सीएस के छत्तीसगढ़ में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है तो हम लोग क्या बाहर जाना पड़ता है, और हम लोग भेजते नहीं लड़कियाँ हैं तो कम से कम छत्तीसगढ़ में कोई एक दो कम से कम सॉफ्टवेयर कंपनी खोल दी जाए जिससे हम लोग को जॉब कर सके, बेरोजगार ना रह सके। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं? जी हाँ मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही हूँ। तो देखो इंजीनियरिंग का ये सब डाउट था, आगे बढ़ते हैं और लोगों का और क्वेश्चंस पूछते हैं कि लोगों का और क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ये थोड़ा सा साइड हो जाए तो आगे बढ़ते देखते हैं भैया लोग का और क्या क्वेश्चन। भैया बताइए आपका क्या क्वेश्चन होता अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे पूछते तो? मैं एक बीएड का विद्यार्थी हूँ, अभी जो प्रक्रिया चल रही है जो ट्राइबल एरिया के लिए भर्ती चल रहा है शिक्षक भर्ती, उसमें ट्राइबल एरिया का है तो ट्राइबल लोगों को ज्यादा चांस दिया गया है, उन लोग का पोस्ट ज्यादा है, तो आने वाला भर्ती जो मैदानी क्षेत्र में होगा उसमें ओबीसी या फिर मैदानी क्षेत्रों के जो अधिकतर निवासी हैं उन लोग को ज्यादा मान्यता दिया जाए, आरक्षण उन लोग को ज्यादा दिया जाए, ये मेरा कहना है माननीय भूपेश भगत से। जो पोस्ट निकलता है तो ओबीसी के लिए बहुत कम पोस्ट निकलता है, उसमें जो पोस्ट का जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लिंक डालेंगे वो, तो उसमें आप अपना क्वेश्चन जरूर डालिएगा ताकि मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचे। तो भाई लोग से भी बात कर लेते हैं, भाई आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो? नहीं हाँ मतलब मैं तो अभी फर्स्ट ईयर ज्वाइन नहीं किया हूँ, ये बीएलओ कॉलेज पे हैं। अच्छा आप कौन से कॉलेज के भैया? सहल देवी महाविद्यालय। कौन सा? सहल देवी कॉलेज। अच्छा आपको अगर क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता सीएम से तो आप क्या पूछते?
मैं ये पूछता कि हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं बीएससी बीएड, अच्छा बीएससी बीएड वो प्राइवेट कॉलेज में है, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज में भी आना चाहिए। 3 प्राइवेट कॉलेज में लगातार हो गया हर साल, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आना चाहिए वो। अच्छा आपका ये क्वेश्चन था। हाँ तो काका जैसे बताए कि लिंक देंगे और उस पे क्वेश्चन पूछना रहेगा तो आप पूछेंगे? हाँ तो जरूरी थोड़ी ना है कि हर का आंसर देंगे वो। हाँ ये तो है ये तो सही बात बोल रहे हैं भाई कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर का आंसर देंगे, बट आप अपने साइड से एक डाल देना ताकि अगर पॉसिबल हुआ तो देख लें वो, ताकि पता चल जाए। हाँ जी भाई, भाई आपका क्वेश्चन अगर रहता तो काका से आप क्या पूछते हैं? अभी तो फिलहाल मतलब कॉलेज का एक्सपीरियंस कुछ है नहीं तो मैं क्या ही पूछता कुछ। अभी फर्स्ट ईयर में हो आप? नहीं फर्स्ट ईयर, अभी ज्वाइन मतलब करूंगा मैं। अच्छा, करोगे अभी? अभी जो सेशन आने वाला दिसंबर वाला, अभी मेरा जस्ट 12th पास हुआ है अभी फिलहाल। तो भाई ये था भाइयों का अपने युवाओं का क्वेश्चन कि भाई बहुत सारे लोगों का बहुत टाइप का क्वेश्चन है, मैं बताऊं तो सच में ये अपने डी फॉर दुर्ग वाले इंस्टाग्राम पे आप लोग सब ने देखा होगा, भैया का हमने बात भी किया था आईपीएल टाइम में भी हम मिले थे, हम याद होगा आपको बहुत अच्छे से। भैया अगर आपका प्रश्न होता सीएम से तो आप क्या पूछते? मैं पहली बार तो सीएम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो मुझे सबसे बढ़िया उनका काम लगता है जो छत्तीसगढ़ी आवाज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर हूँ तो मैं उनसे डेफिनेटली ये पूछना चाहता है कि मेरे को लगता है कि सबसे बड़े अगर छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वो सीएम है, सीएम खुद है। और क्योंकि मैं मोरबुइयां छत्तीसगढ़ भी हैंडल करता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ में लिखता भी हूँ, तो मेरा ये उनसे सवाल होता है कि वो कैसे प्रमोट करते हैं जब वो गौरा गौरी के लिए सोटा खाने जाते हैं तो उनके पीछे कैमरा चलता है और दुनिया देखती है कि हमारी संस्कृति क्या है, तो वो जिस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं तो मैं उनसे कुछ टिप्स जरूर लेता कि मैं कैसे उस दिशा में आगे बढ़ूं, मैं कैसे उस चीज को अपने तरफ से दिखा सकूं। यस यस। अच्छा तो भैया आज जैसे कि लोगों बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए इस फील्ड में, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स आ गए, तो आप अपने तरफ से क्या टिप देना चाहोगे? जैसे कि आप काफी ग्रोन हो, डी फॉर दुर्ग काफी अपना अच्छा चल रहा है अपने पूरे भिलाई छत्तीसगढ़ में, तो आप क्या टिप्स दोगे अगर एक क्रिएटर आपको देखे तो? मेरा टिप बेसिकली ये है कि जेन्युइन रहो कंटेंट के साथ, एक नीच पकड़ के चलो, और अगर आप नीच से फ्लक्चुएट होते हो तो नहीं चलेगा कंटेंट। और दूसरा अगर मतलब बेसिकली होता है कि आप कंसिस्टेंट रहो और उस कंसिस्टेंट ग्रोथ के साथ चलो, ऐसा नहीं कि कोई रील वायरल हो गया तो उससे फॉलोअर गेन कर लिए, ठीक बात है, लेकिन टाइम के साथ जो फॉलोअर गेन होते हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पे आपको क्वालिटी मिलती है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू एडवाइस एवरी क्रिएटर। ये था अपने डी फॉर दुर्ग वाले भैया का एडवाइस, तो भैया आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। आप बनाए वीडियो? मैंने बनाया है, बनाया और बनाया है, रील को अपलोड करना, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट डीपीआर छत्तीसगढ़ सीएमओ छत्तीसगढ़ को टैग करना, काका आ रहे हैं दुर्ग, इस हैशटैग के साथ बेस्ट रील्स को कलेक्टर के हाथों गुडीज मिलेगा, बेस्ट रील को गुडीज मिलेगा कलेक्टर के हाथों, कलेक्टर के हाथों। तो भाई ये था भैया की तरफ से इन्फॉर्मेशन कि भाई जितना हैशटैग बताए भैया याद से याद रख लो। आ रहे हैं दुर्ग, काका आ रहे हैं दुर्ग, भी एक बार और बता दो हैशटैग, काका आ रहे हैं दुर्ग, बस ये लगाना हैशटैग, और अपने को अगर अच्छा रहा पसंद आया तो कलेक्टर के हाथे गुडीज मिलेंगी।